ठीक है, तो अपन ने देखो क्या पढ़ा था भाई, अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी देखी थी, हमने पढ़ा था जैसे हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी निकालनी है, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो देखना क्या था, ए से स्टार्ट होकर सी पे खत्म हो रहा है, तो अल्टीमेटली वही होना चाहिए, ए से स्टार्ट होकर सी पे खत्म हो, और आजू बाजू वाले टर्म का ये सेम होना चाहिए जैसे बी और बी है, समझ में आइए। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे निकालनी मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ई, मतलब कितने भी लिख सकते हैं फर्क नहीं पड़ता। क्या रखना है, ए से स्टार्ट होगी ई पे खत्म हो रहा था, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट करें और ई पे ही खत्म हो जाए हमारा, आ रहा है क्या समझ में। और आजू बाजू वाले टर्म्स जो तुम्हारे हैं, जैसे ए से स्टार्ट होगी है ना, ये बी है, ये भी बी है, ये सी है तो ये सी है, ये डी है तो ये डी है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सी है यहाँ पे कुछ और आ जाए एफ आ जाए, समझ में आ रहा है। अगर तुमने ये करा है तो तुमने फॉर्मूला सही लिखा है, ए से स्टार्ट होगी ई पे खत्म होना था, ए से स्टार्ट होगी ई पे खत्म हुआ, आजू बाजू वाले टर्म्स का सेम होना चाहिए जैसे बी बी सी सी डी डी, अगर ऐसे लिखा है तो सही है, नहीं लिखा तो गलत है। क्लियर है, पक्का? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ट्रक है ना, ऐसे होता है ट्रक, कितने पहिए होते हैं, तो ये है ना, ये भाग रहा है, मान लो ये भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, भाग रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में। अब ट्रक क्या कर रहा है, ट्रक भी जा रहा है, ट्रक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ट्रक भी मान लो किसी चीज़ के ऊपर है, ट्रक मान लो ट्रक है जहाज के ऊपर, पानी वाला जहाज होता है उसके ऊपर है ट्रक, तो ट्रक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू जहाज, क्या बोलते हैं शिप, और जो जहाज है वो पानी में चल रहा है, तो ये भी जा रहा है मान लो, अब ये जा रहा है मान लो 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब जो पानी है, पानी भी बह रहा है ना, पानी जा रहा है विद रिस्पेक्ट, पानी मान लो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पानी जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैन की स्पीड ट्रक के रिस्पेक्ट में दी है, ट्रक की स्पीड ट्रक की वेलोसिटी शिप के रिस्पेक्ट में दी है, शिप की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में दी है, वाटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है, तुमसे क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कर ली सबने। तो देखो तुम्हें निकालना क्या है, ये सोचो तुम्हें मैन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो लिखो फॉर्मूला, लिखो यहाँ पे इसको देख के लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए तुम्हें, ग्राउंड, तो इससे स्टार्ट होकर जी पे खत्म होना चाहिए, एम से स्टार्ट होकर। अब एम की किसके रिस्पेक्ट में दिए, देखो यहाँ से ट्रक के, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, फिर ट्रक की किसके रिस्पेक्ट में दी है, शिप के रिस्पेक्ट में दी है ना, ट्रक की शिप के रिस्पेक्ट में दी है ना, तो आगे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू शिप, और शिप की दी है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर की दी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह आया क्या समझ में, ये हमने जो लिखा है, ठीक है। तो देखो एम से स्टार्ट होकर जी पे खत्म होना था, एम से स्टार्ट होकर जी पे खत्म हुआ, इधर आजू बाजू वाले टर्म देखो सेम है, टी टी एस एस डब्लू डब्लू, अगर ऐसे लिखा है तो सही लिखा है वरना गलत है, ये आ रहा है समझ में, सही लिखा है हमने, कर दो देखो। अब डायरेक्शन का ध्यान रखो, राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं, लेफ्ट को नेगेटिव, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव 5, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर -12 प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3, तो देखो कितना आ गया तुम्हारा 15 -15 इक्वल टू 0, मतलब अगर तुम ग्राउंड पे हो ना, तुम ग्राउंड पे खड़े हो और ये सब जगह रहा है, पानी है, पानी में जहाज है, जहाज पे ट्रक है, ट्रक पे आदमी है, तो तुम्हें वो आदमी रेस्ट पे दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो वो आदमी यहाँ पे तो वहीं पे रहेगा, तुम्हारे रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है, चल रहा है, इन सब के रिस्पेक्ट में, पर ओवरऑल सारी वेलोसिटीज कैंसिल आउट हो गई, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर तुम ग्राउंड पे खड़े हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, क्लियर है क्या ये चीज, क्यों, अरे ये पानी है,
भाई पानी भी तो कुछ होता है। नहीं ठीक है, तो इस तरह कर लोगे, तो जरूरी नहीं है दो के बीच में, तीन चार पांच जितने भी दे दें तुम कर लोगे, ठीक है क्या? ठीक है, तो देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक अलग तरीके से भी होता है फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। अभी तक क्या था, सबकी स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दी गई थी, है ना? जैसे यहां पे मैन की ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक की शिप के रिस्पेक्ट में, शिप की वाटर, वाटर के ग्राउंड के, ना सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दी थी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। अब मान लो क्या हो जाए, सबकी वेलोसिटीज हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दें और फिर रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लें, समझ में आ रहा है? तो किस तरह से निकालेंगे, अभी हर एक की वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में दी गई है, अलग अलग ऑब्जर्वर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्या चीज? पहले ये क्लियर है नहीं ये स्टेटमेंट, अभी हर एक की वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दी गई है, दिख रहा है क्या? मैन की है ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक की है शिप के रिस्पेक्ट में, शिप की है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग फ्रेम में दी गई है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो क्वेश्चन अपन ने अभी तक पढ़े हैं वो। पर अगर सभी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे दें, मतलब सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में दे दें, तो क्या करेंगे, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो देखो देखो जैसा अपन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे कुछ भी लिख सकते हैं, रूल्स होना चाहिए ना, ए बी सी डी से क्या फर्क पड़ता है, लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको अगर इधर लेके आ जाए तो देखो क्या बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या निकल के आया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मान लो इफ बी इज, एक तो ऐसे भी ध्यान में रखनी है, इफ बी इज ग्राउंड फ्रेम, अगर बी मान लो ग्राउंड फ्रेम है तुम्हारी, मतलब मान लो ए की स्पीड भी ए की, इसका मतलब क्या है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पता है और सी की भी बी के रिस्पेक्ट में पता है, तो ए और सी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है ना ये। पर मान लो अगर बी जिसके रिस्पेक्ट में, तो बता बी खुद अपने आप में ग्राउंड फ्रेम है, तो क्या बन जाएगा ये, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बी की जगह ग्राउंड लिख दिया, नहीं आ रहा समझ में? और हमने देखा था, मैं ग्राउंड को लिखूं ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगर मैं बोलूं मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं और मैंने नहीं बताया किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जा रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा हूं, तो ग्राउंड को दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट होता है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में, जब कुछ भी नहीं लिखते आगे उसका मतलब ही होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है, ग्राउंड, ये बन गया। तो अगर ए की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है, सी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है, और उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मैं स्पीड बोलते हैं ना, स्पीड मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बोलना सही है ना। अगर ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है, सी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्लियर है सबको, पक्का? ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ये निकल के उसी से आया, उसका एक्चुअली अदर फॉर्म ही है, ये कुछ नया नहीं है, तो लिखो इसे। और याद रखना ये वेक्टर फॉर्म में है, अपन क्योंकि हमेशा साइन के साथ लेते हैं, तो ये फॉर्मूला कब कहाँ आएगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी, है ना? जब भी किसी भी दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है? तो करो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमको। मान लो ये आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसका नाम दे दो भाई ए है, ये दूसरा है, ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी इसका नाम ले लो बी ले लो, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, कैसे करेंगे बताओ, फॉर्मूले से देखो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यही तो है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है तुम्हारी 15, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 10, तो कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब इन दोनों का सेपरेशन इस रेट से चेंज होगा, एक सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर नहीं बढ़ेगा या फिर 10 मीटर नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 5 मीटर, क्योंकि 15 मीटर अगर ये आगे गया तो 10 मीटर तो ये भी आगे चला गया,
तो सिर्फ 5 मीटर बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? अरे फील भी आ रही है ना, सिर्फ फॉर्मूले नहीं है। अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। ठीक है देखते कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हमेशा आगे वाले, पहले वाले में से आगे वाले को माइनस कर देना है। ठीक है समझ में आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया? 10 - 15 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? मतलब तुम अगर, ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मान लो अगर तुम ए हो, विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ए ही तुम्हारी फ्रेम है, तो तुम ऑब्जर्वर बन जाए करो समझने के लिए। मान लो अगर तुम ए हो तो तुम्हें बी 5 मीटर पर सेकेंड से दूर जाता हुआ दिखेगा ना, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब तुम अगर बी हो मान लो, तो तुमको क्या दिखेगा? ए तुमसे 5 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है इस डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब है ना, लेफ्ट वाला डायरेक्शन है ना अपना, आएगा समझ में? और कहा था ये तो हमेशा प्लस माइनस से रिलेटेड होती है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होती है। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों पार्टिकल हमेशा सेम होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये अपन ने पहले भी देख लिया था, लास्ट क्लास में भी देखा था, याद है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर दो। चलो ऐसे ही बता दो, दो ट्रेन है भाई, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे दोनों ट्रेन क्या कर रही हैं? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं 100 किलोमीटर पर आवर से, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, 200 नहीं होगी, नहीं होगी। सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब 100 - 100 जीरो। तो दोनों की अगर स्पीड बिल्कुल, वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल्कुल साथ में जा रही है तो तुम हाथ भी ला सकते हो, समझ रहे हो, बात भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच का सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। आया क्या समझ में? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लो। चलो सबसे पहले तो भाई नॉर्मल जो काइनेमेटिक्स आती है उससे करते हैं ना, पकड़ना मतलब दोनों को एक एक ही जगह पे आना पड़ेगा तभी पकड़ पाएंगे ना, अगर जोर वहां पर मैं हम से नहीं पकड़ पाऊंगा ना, तो अगर पकड़ना है तो पोजीशन सेम होनी चाहिए और सेम टाइम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चोर अभी यहाँ पर है, मैं यहाँ पे एक घंटे बाद आऊँ तो भी नहीं पकड़ पाऊंगा। तो कभी भी किसी भी चीज को ओवरटेक करना है, कोलाइड करना है, पकड़ना है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, ये ओवरटेकिंग वाली हो गई, जैसे ये कैचिंग वाली हो गई, या फिर कार रेस हो रही है, ओवरटेक करना है किसी को, या फिर पकड़ना है, कोलाइड करना है दो पार्टिकल्स को, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज आ रही है, तो सेम टाइम पे सेम पोजीशन होनी चाहिए ना, तभी कर सकते हैं। टाइम भी सेम होना चाहिए, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन क्या होगी इसमें? सेम पोजीशन एट सेम टाइम, ये तो जरूरी है, उसके बिना तो नहीं हो सकता। तो मान लो ये जो सिचुएशन थी वो टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है, कुछ टाइम बाद मान लो चोर और पुलिस दोनों यहाँ पे आ जाते हैं ना, कुछ टी टाइम लगा इनको, सुना है कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो टी टाइम में चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ? कॉन्स्टेंट स्पीड है 15 × t, और पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये डिस्टेंस कितना? 20 से जा रही है, तो 20, इसको भी टी टाइम लगा, तो 20 × t। समझ आया? मतलब चोर और पुलिस दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे, मतलब दोनों यहाँ पे मिल गए हैं दोनों के, तो समझ में आया क्या? ऐसे पकड़ रहे थे, ये धीरे आ रहे थे, ये स्पीड से आ रहा था, तो धीरे 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 करके इसने पकड़ लिया ऐसे करके इसको। आएगा समझ? तो यहाँ से हमको क्लियरली देखना 20t = 50 + 15t, रहेगा 20t = 50 m + 15t, तो ये कितना आ गया? 5t = 50, और 5 हमारा मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, तो t तुम्हारे सेकंड में आ गया, मीटर मीटर बन गया t = 10 seconds। पक्का सबसे आसान ना, ये पहली मेथड हो गई हमारी, सेम पोजीशन होनी चाहिए सेम टाइम पे, ये कंडीशन है ना, इसको करके लिख लेना, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉलिजन, ओवरटेकिंग और कैचिंग। चले मेथड नंबर 2 से, तो एक और मेथड नंबर 2 लिख लो भाई, ये तो पहली मेथड हो गई। मेथड नंबर 2 जो प्रेफरेबल है, जिसको हम प्रेफर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, रिलेटिव है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो सोचो तुम बनना क्या चाहते हो, तो चोर बनना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, तो अपन हमें चोर चोर की फ्रेम से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, देखते कैसे। तो मान लो अपन ये बन गए ना, तो इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चोर फ्रेम, मतलब मान लो अपन ये चोर बन गए, ठीक है। तो देखो तुमको क्या देखेगा, तो अगर चोर बन गए तो सबसे पहले पुलिस की वेलोसिटी निकालो चोर की रिस्पेक्ट, अब सारी चीजें चोर की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो चोर की रिस्पेक्ट में चोर भी, चोर कहीं पे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, चोर वहीं का वहीं है, उसको क्या देखेगा? बस पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा है, आ रहा है, वो खड़ा हुआ और उसने आके पकड़ लिया, चोर की रिस्पेक्ट में ये हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू चोर फ्रेम क्या है,
तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है 20, वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है 15 थी ना, कितनी आ गई 500%। मतलब चोर को क्या लगेगा, चोर को ये नहीं लगेगा कि पुलिस वाला, हम किसके फ्रेम में कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चोर फ्रेम कर रहे हैं, तो चोर को ये, चोर के हिसाब से तो चोर मूवी नहीं कर रहा, समझ में आएगा, चोर के हिसाब से वो रेस्ट पे है और पुलिस उसकी तरफ आ रही है कितनी स्पीड से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड, पुलिस उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है और पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 50 मीटर, कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या हो गया, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो चोर के रिस्पेक्ट में तो पुलिस ने कितना चला है 50 मीटर ही चला है, समझ में आ रहा है, अब नहीं चला 50 प्लस 20 जो भी आ रहा था, अब सिर्फ 50 मीटर ही चला है, समझ में आ रहा है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या है 50 मीटर और वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया हमारा 10 सेकंड, चले लग रहे हैं मुझे मेरा, तो मेथड नंबर 3 ग्राफ बना देते हैं अपन इसका, तो एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ बना देते हैं ना, तो ओरिजिन किसको मान लें, इसको मान लेते हैं x = 0 को ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना x = 50 और मान लो दोनों कहीं यहां पे मिल रहे हैं, ये तो निकालना है, सेम टाइम पे मिलेंगे, तो t = 0 पे पुलिस को यहां से स्टार्ट करता है, और भाई बताओ कैसा ग्राफ आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन, ये पड़ा हुआ है तो ये आ गया, ये कौन का है पुलिस का ग्राफ, ये पुलिस ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, चोर x = 50 से स्टार्ट कर रहा है, और जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ये थीटा भी होगा, ये थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो जितना ही ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा थीटा, तो इसका जो एंगल होगा चोर का वो कम होगा या ज्यादा होगा ये बताओ, क्योंकि ये 20 से जा रहा है और ये कितने से जा रहा है 15 से, चोर का कम होगा, चोर का ज्यादा होगा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, इसको कर देते हैं इसका एंगल थोड़ा सा कम होगा, इसी लाइन है असलियत में, इसके बाद तो पता है पकड़ लिया तो उसका तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा मोशन है ना, तो आगे की लाइन आएगी, तो ये वो टाइम है जो तुमको निकालना है, ये तुम्हारा x = 0 है, ये तुम्हारा x = 50 है, याद है इस बार x एक्सिस पे यहां पे दिखा रहे हैं, तो अब ये कितना टाइम होगा कैसे निकालेंगे, tan थीटा हमको पता है, tan थीटा क्या है हमारा, ये tan थीटा 1 बोल दो, ये पुलिस वाला, ये चोर वाला, इसको थीटा c बोल दो, हमको पता है tan थीटा भी क्या हो जाएगा, tan थीटा भी 20, अरे भाई वेलोसिटी बोला पढ़ाता था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, और स्लोप क्या होता है tan थीटा को जो स्लोप बोलते हैं, इसका जो स्लोप है वो ही वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 20 है, और देखो इस ट्रायंगल को देखो tan थीटा डी कितना आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x / चोर वाले में लगाते हैं, इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, तो tan थीटा सी क्या हो जाएगा, चोर की वेलोसिटी कितनी है वो 15, और इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ कितना आएगा x - 50 डिवाइडेड बाय, ये आएगा ना, ये पूरी लेंथ x है, ये लेंथ 50 है, तो ये लेंथ x - 50 होगी है ना, और बेस लेंथ तो ये t है भी, वापस कर दो, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें x निकालना नहीं, तुम्हें क्या t निकालना है, तो t निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, नहीं ऐड करने से 2 में से 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, सीधा आ जाएगा, तो 20 - 15 कितना हुआ 5, और x - 50 डिवाइडेड बाय t, t तो कॉमन आ गया, देखो x - x कट गया, 50 / t आ गया, t कितना आ गया 50 / 5 10 सेकंड्स, देखो आ गया,